मुबारक हो मुबारक हो अब्बू अम्मी मजा आ रहा है। अब हम आ गए हैं अपने फुप्पो के घर पर। तुम लोग यहाँ छत पे लटक जाते थे। हाँ, ये हमारे फुप्पो का घर है। पिक्चर्स लेने का दिल चाह रहा है। कैरी खाने का इतना दिल कर रहा है। यहाँ पे नहीं आएगी, पंजाब में लेट है। नहीं क्यों है? लगा नहीं है, नहीं है पंजाब में लेट। भूर लगा बरेक बरेक है भू। अच्छा नहीं इतना जरे आ आ मैं इधर। अस्सलाम वालेकुम। इधर कह नहीं आ रहा हैदराबाद वाले। अब वो हाय कहते हैं। हाय मजा आ रहा है अब आपको? हां माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तुम बड़ी अम्मा के पास भी तो जाओगे? ऐसी बात है, अभी जाते तो पहले जाते हुए बड़ी अम्मा के पास से हो लेना ना। अब वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी भी आपको वैसा लगता है बचपन जैसा या डिफरेंट हो गया है? नहीं वो नहीं लगता, अभी काफी चेंजेस आ चुकी है इलाकों के अंदर, रोड के अंदर, बिल्डिंग के अंदर। हाँ बहुत चेंजेस आ चुकी है। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है ना सब। ये अम्मी का ड्रेस था जो कि मैंने अम्मी को दिया था। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अनान? ठीक हो? चलो लेट्स गो। सो वी आर हियर फाइनली। इतना दूर नहीं है वैसे, आधे घंटे का ही सफ़र है एंड वी आर हियर। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए। बहुत थक गए। मेरी लिटरली बॉडी में पेन हो रहा है अभी। और टांगों में कितना दर्द हो रहा है हील्स की वजह से ना। अच्छा
फोर्थ को संडे है और थर्ड को सैटरडे है। Deciding तारीख for my bhai's wedding. मुबारक नोशी, 4 तारीख को हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। 4 जून, हाँ डेट ऑफ बर्थ भी है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। फोर्थ जून लेने आ रहे तुम्हें हम इंशाल्लाह। जब छोटी थी तो मोस्ट वक्त से पसंद करता था। अच्छा वैसे अंकल के साथ जो मेरी अटैचमेंट है बस अब्बू की खुशी ये सेफ रहेगी ना हमारे पास सारी जिंदगी। फारुक अब्बू अम्मी अंकल ने साथ, हाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सफदर भाई की भी रूह खुश हुई होगी जी, उसकी भी दिल लिखा है। क्या हुआ, नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ यू नॉट कमिंग ऑन जोबी मामूज वेडिंग, यू नॉट कमिंग जी। अब हम आ गए हैं अपने फूफो के घर पर। तुम लोग यहाँ छत पे लटक जाते थे? हाँ, ये हमारे फूफो का घर है। ओह माय गॉड, अंदर चलते हैं। सब कुछ लाइक गमले वगैरह जो पौधे थे वो भी बचेंगे। हाँ स्टार्टिंग हुई है सारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप खैरियत से हैं? वसीम भाई हैं, फूफो के बेटे। एंड दिस इज आवर फूफो का हाउस, इधर से हमारी बहुत मेमोरीज हैं। लाइट्स लाइट्स ऑन कर लूं मैं। और ये हमारा फेवरेट वॉशरूम हुआ करता था। हम लोग पूरा गांव छोड़ के यहाँ, डिफरेंट था, एक ही रूम होता था ना पहले। बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें तुम्हारी बहन की तारीख। भाभी से तो पूछ लो। लाइक इट, शी इज माई पप्पो, अब्बू की एक इकलौती बहन। हेलो इजान, हेलो। ओह क्यूटी, मासूम बनाई है वरना इसमें लेटता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ और बड़े मजे ले रहा है यहाँ पे। इसने रिजेक्ट कर दिया था अपना ये वाला झूला। अच्छा हाँ, आज मजे ले रहा है। इजान ये लो, ऐजान के मजे हो गए। ईदी ही ईदी आ रही है ऐजान के पास। ईदी सबके लिए होनी चाहिए वैसे। हाँ तो दे दो, फिर दे दो। सिर्फ हमारे बेबी के लिए, हमारे लिए, आप लोग। सबसे छोटा तो मैं हूँ, मेरी बनती है ना ईदी। नहीं सबसे छोटा ऐजान है, उसको उसकी बनती थी। सबसे बड़ा तो मैं हूँ ना, आप सबसे छोटा मैं हूँ। नहीं और दिखने में कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा अभी मेरे साथ खड़ा हुआ, मेरे साथ खड़ा होता लिटरली इतना लंबा है। ये देखें ये कितना लंबा है। चले यार, चलो डिनर इज रेडी इंशाल्लाह ताला। तो हम फिर वेट करेंगे कौन से चैनल पे? सुत्रा मेहरान। हाँ क्या कह रहे हैं, चैनल पे हम आएंगे ना? आप सुत्रा मेहरान के चैनल पे आएंगे? ओके ओके ओके, इतना बड़ा आपको ऑनर मिल रहा है, आप मेरे चैनल पे हमारा बेबी पी पूरा पूरा है मेरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके भाई लेट्स गो विल्दान, लेट्स गो विल्दान को बहुत मजा आ गया है यहाँ पे। विल्दान लेट्स गो, थैंक यू विल्दान, से थैंक यू। हुसैन ये चेयर याद है? अरे हाँ ये चेयर याद है, इसमें तो जंप करके बैठा था। ये बिग बॉस की चेयर है, ये वही चेयर है, इसको ये हमारी पुरानी चेयर है, आज तक नहीं रिपेयर करा ये। अच्छा मैंने बोला इसको घर से निकाल दे, निकालने में नहीं देते घर से। क्यों हमारी जब से जरा छोटी थी ना तो इस पे बैठती थी, कंप्यूटर चलाती थी। हाँ और कैसे बैठती थी? जंप करके, जंप करके। मैं पूरी नहीं आती थी ना, काफी ऊंची है ये चेयर।
सो मैं लिटरली जंप करके इसके ऊपर आके बैठी थी क्योंकि मैं पूरी नहीं आती थी। सो यहाँ पे हम लोग बैठा करते थे रात को, सब लोग बैठ के बातें करते थे लेट नाइट एंड शुगल मेला, यहाँ पे पूरा शुगल मेला होता था। यार ये दरख्त याद है हुसैन, ये दरख्त याद है यार, कितना नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है ना अगर आप पुरानी अपनी जगहों पे जाओ, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ तो हमारा बचपन गुजरा है, और हमारे जो वसीम भाई के जो अब्बू होते थे इस किचन को लॉक लगा के रखते थे ताकि हम लोग यहाँ पे जाके लेट नाइट तबाही ना मचाए। सो या चलो भाई वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, चलो चलो चलो। वाइट चिकन बनी हुई है, तुमने बनाई है अपने ससुराल वालों के लिए? हेलो ज़ेफ़ा। हेलो। हेलो। मैं कौन हूँ? सिद्रा। सिद्रा He's my cousin Huzaifa and he is my very big fan. मेरे सारे vlogs देखता है, सारे vlogs देखता है, तो मैंने कहा इसको मेरे vlog में आना बहुत जरूरी था। ठीक है हुज़ैफ़ा, आपकी आधी अर्निंग यहाँ से हो रही है मोबाइल से। विल्डान। हाँ विल्डान, विल्डान भी है। हाँ विल्डान। चीज बॉल है ये, क्या है फ्राइज? शाही टुकड़े हैं एंड सेवैया हैं एंड फ्राइज एंड चीज बॉल्स हैं। इतना सुबह से खा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं कुछ ना कुछ खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। मैं इतनी मोटी होके जाऊंगी ना यहाँ से। ओके सो मैं कल आउटरो देना भूल गई थी, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को आउटरो भी दे दूँ, उसके साथ साथ मैं थोड़ी सी बातें भी कर लूँ। सो अभी शादी एक ख़त्म हुई है तो अब दूसरी शादी स्टार्ट हो जाएगी। लोगों को पता तो चल ही गया है कि मेरे भाई की डेट फिक्स हो गई है, और सून आफ्टर दिस मैरिज, मतलब अभी हम जाएंगे वापस और फिर हमें दोबारा आना है शादी के लिए, मतलब कुछ ही दिनों का डिस्टेंस है, और अब जाएंगे, बस तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और फिर हम वापस आएंगे करने के लिए। सो सून आफ्टर दीस शादी के व्लॉग्स, अब आप मेरे भाई की शादी की तैयारियाँ और व्लॉग्स वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आज ब्राइड एंड ग्रूम आएंगे घर पर, दावत है उनकी, वो व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह आप कल देखेंगे। या सो आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन सो यू गाइज कैन नेवर मिस अ वीडियो, एंड ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।